हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक और नए डिज़ाइन का टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने येलो ऊन को डबल कर लिया है और तिरछा तिरछा हम एक कील छोड़ते हुए इस तरह से लगा लेंगे। हमें बीच बीच में एक एक कील छोड़ते हुए जाना है। और इसी तरह से हमें ये राउंड लगाने हैं, कम से कम 10-10 राउंड लगाने हैं। तो इसी तरह से मैं ये 10-10 राउंड लगा लूँगी। ये मैंने 10 राउंड लगा लिए। अब हम वाइट कलर की ऊन लेंगे और इसको भी इसके बीच में जो कीलें छोड़ी हुई थी उसमें लगा लेंगे। इसको भी मैंने डबल किया हुआ है, वाइट ऊन को भी। तो इसी तरह से इसको भी हम ऐसे ही लगा लेंगे और इसके भी हम 10-10 राउंड लगा लेंगे। अब हम येलो ऊन लेंगे फिर से और ये क्रॉस में लगा लेंगे। पहले हमने इस वाले कोने से स्टार्ट किया था, इस बार हम इधर से मतलब इस तरह से लगा लेंगे। और इसको इस बार मैंने 5 राउंड लगाना है। पहली बार में हमने 10 राउंड लगाए थे, इस बार मुझे 5 राउंड लगाने हैं। ये 5 राउंड लगा लिए। अब इसके बीच में जो कील है उस पर हम वाइट कलर से 5 राउंड लगा लेंगे। अब मैंने ये दोनों साइड से लगा लिए। अब हम ये येलो कलर की ऊन को सीधा सीधा लगाएंगे। पहले तीसरी कील पे ही लगाना है हमें दोनों साइड से, एक कील छोड़ते हुए। अब जैसे मैंने एक राउंड येलो का लगा लिया, इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब हम वाइट लेंगे और इसके बीच वाली कील पे वाइट कलर को लगा देंगे। एक बार हमें येलो ऊन लपेटनी है और दूसरी बार हमें वाइट। इसी तरह से हमें लपेटते हुए 15 राउंड कंप्लीट करने हैं इसके। पहले एक बार येलो, फिर वाइट, फिर येलो, फिर वाइट, हमें इस तरह से लपेटनी है। तो ये देखिए मैंने ये लपेट ली है और इसको हम गांठे लगा लेंगे। अब गांठे लगाना मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है, तो ये मैंने गांठे लगा ली हैं। ये देखिए, ये वाइट में वाइट से लगाई हैं, बाकी सब में येलो से लगाई हैं। अब हम इसके ये जो बीच है इसका पॉम पॉम काट लेंगे। बीच से नीचे वाली ऊन हमें नहीं काटनी है, हमें सिर्फ ऊपर वाली जो हमने सीधी सीधी लपेटी है ना, वही काटनी है। जो तिरछी लपेटी है उसको नहीं काटना है। तो इस तरह से हम ये काट लेंगे तो ये हमारे पॉम पॉम्स बन जाएंगे। ये देखिए मैंने काट लिया और ये कितना सुंदर डिज़ाइन आ गया है। और ये हमारा लाइट कलर का बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो ये इस तरह से अब हम इसके फुन्ने काट लेंगे। हमें इसको बीचों बीच से ही काटना है, जहाँ बीच में आ रहा है इस तरह से देख देख के। तो मैंने ये पूरा कट कर लिया और ये देखिए मेरा टेबल मैट बन गया है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज कवर, टीवी कवर, लैपटॉप कवर। अगर आपको और भी बड़े बनाना है तो आप बड़ा फ्रेम बना के उस पर बना सकते हैं, या फिर फ्रेम नहीं बना सकते आप तो आप इसको कार्डबोर्ड पर भी बना सकते हैं, उस पर भी बन जाता है आसानी से। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।